मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो सरकार है उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ घोर अन्याय किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी आर्मी के जवान से ज़्यादा देश को साथ देते हैं। अभी तक के आंकड़े बताते हैं मुल्क आज़ाद होने से लेकर आज तक मिलिट्री के तकरीबन 21,000 जवान शहीद हुए हैं, जबकि पैरामिलिट्री के 33,000 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं। अगर हमारे आज तक के रिकॉर्ड को उठा कर देखा जाए तो हमारा भी शहादत देश में आर्मी से कहीं कम नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन अर्धसैनिक बलों के साथ घोर अन्याय किया है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, अगर आप अन्याय के रास्ते पर चलकर देश के कुछ लोगों को उनके हक से महफूज रखना चाहते हैं और लगातार इनको अपने हक से वंचित रखा गया है, तो आने वाले इलेक्शन में 2019 में हम मोदी जी जितनी स्पीड से संसद में पहुंचे थे उससे भी ज़्यादा स्पीड से इनको वापस गुजरात भेजेंगे। ये हमारा संकल्प है, या तो ये हमें न्याय दे, अगर ये हमें न्याय नहीं दे सकते तो अपनी कुर्सी छोड़कर वापस जहाँ से आए थे वहीं चले जाएं। मैं सारे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि देश की जनता चाहती है कि पैरामिलिट्री के जवानों को वो सब मिलना चाहिए जो मिलिट्री के जवानों को मिला हुआ है, लेकिन देश की जो सरकार है उसके मन में बेईमानी है। वो देश की जनता की आवाज़ भी नहीं सुन रही। जनता चाहती है कि इनको उनका हक मिला, लेकिन देश की सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को उनका हक नहीं दे रही और इनकी मंशा बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर ये हमें अपना हक देना चाहते हैं तो कम से कम संसद में बिल तो लेकर आए ताकि हमें पता चले कि कौन सी पार्टी है जो हमें अपना हक नहीं देना चाहती, कौन सी पार्टी हमारे उस विधेयक का विरोध करेगी जिससे हमें हमारी हक मिलता हो। तो कम से कम वर्तमान सरकार हमारे को अपना हक देने के लिए संसद में विधेयक तो लाए। और पिछले 2-3 दिन पहले 5 स्टेट्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट्स में आपने देख लिया, मोदी सरकार ने देख भी लिया कि देश की जनता हमारे खिलाफ हो रही है और आने वाले 4-5 महीने में इसकी रफ्तार और ज़्यादा होने वाली है। ओके, धन्यवाद। We'll be right back.